हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू यूनिक डिफेंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, एक महीना यानी कि 30 दिन बस दूर हो अपने एनडी के एग्जाम को से लेकर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, एक महीने में हमारे पास कोई ऐसा एक चिराग मिल जाए जिसको हम घिस दें एंड हमारा एनडी क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक महीने में, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप एनडीए नहीं निकाल सकते। लिटरली भाई टाइम लगता है। किसी बच्चे को मिनिमम मान के चलिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, किसी को भाई 6 महीने भी लग सकता है, किसी को सालों लग जाते हैं, ठीक है, मेहनत करने के लिए। बट 30 दिन के लिए भाई, अगर आप जीरो हैं, आप कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, ये सत्य है, कड़वा सत्य है। पर हाँ, ठीक है, आपका लेवल जो भी है, पर कुछ स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हो कि हमें पढ़ना कैसे है, लास्ट महीने में हम क्या करना चाहिए। हम तैयारी तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर लास्ट महीने पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि भाई लास्ट टाइम ऐसा होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज छप जाती है कि यार पेपर बहुत नजदीक है, जिसकी वजह से एग्जाम का प्रेशर सीधा अटैक करता है हमारे माइंड की तरफ और हम क्वेश्चंस लगा नहीं पाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि यार अभी हम करने बैठते हैं, बहुत जल्दी एग्जाम है, तो प्रेशर जो आ जाता है वो हमें करने नहीं देता। उस प्रेशर की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों का। तो भाई एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। सब बच्चे जानते भी हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते। भाई सब आपके ऊपर है, आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तभी चीजें हो पाएंगी। तो सबसे पहली बात है कि यार आपका जो एनडी का एग्जाम है उसमें टॉपिक वाइज वेटेज को समझना, ठीक है। जितने भी आपके पास वेटेज ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको दिमाग में हैं क्या? मान लीजिए अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, भाई छोड़ के मत चले जाना, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सेट थ्योरी हो गया, ठीक है ना, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एंड कैलकुलस में कोई सा पोर्शन जोन सा आपको स्ट्रॉन्ग लगता है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। एक तो मैं बात कर रहा हूँ वेटेज की, एंड दूसरी चीज ये भी है कि यार आपके लिए क्या आसान है। हो सकता है कि आपको कैलकुलस में इनडेफिनिट ना आता हो, डेफिनिट अच्छे से आता हो, क्योंकि उसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैलकुलस भी एक अच्छा है। और हाँ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भाई छोड़ मत देना, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। और एलजेब्रा की तो मैं अगर बात कर रहा हूँ तो एलजेब्रा की मैंने कल ही एक मैराथन ली है पूरे 4 घंटे की, ठीक है, उसका पार्ट 1 यानी कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से सारे चैप्टर एलजेब्रा के हमने कवर किए हुए, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने उस पर की हुई है। तो 4 घंटे अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें दे सकते हैं अपना। चलिए वेटेज को समझना है, उस वेटेज के हिसाब से टॉपिक चूज करने हैं, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ जीएटी में, यार जीएटी में मेन चीज क्या है, ठीक है, आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को एंड बायोलॉजी को भूल मत जाना, ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना क्लास 11th एंड 12th में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यार वन लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, कोई थ्योरी तो बन रही है, ठीक है, या फिर कुछ प्रूफ करने के लिए आपसे नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो वन लाइन क्वेश्चंस बनते हैं पूरा साइंस वाला जो पोर्शन आता है उसमें से पूरा जीटी में। और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का देता है भाई मैथमेटिक्स में, वहीं पर आप कर रहे होंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स देगा, वहां पर एक क्वेश्चन यू हो जाएगा एंड आपका 4 मार्क्स देके जाएगा आपको। तो आप इस वेटेज को भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो और करंट अफेयर छोड़ना मत बिल्कुल भी, लगभग अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो करंट अफेयर आपके लिए लगभग 1 ईयर, और अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो लगभग लास्ट 6 मंथ का तो आप छोड़ना मत, 6 मंथ का तो आपको पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर में से भी ये पॉलिसीज निकालती रहती है बीच बीच में, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा समझ लेना है, कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे हैं पॉलिसीज वगैरह में, जो भी चीजें हो रही है। उसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड जो ऑपरेशन हो रहे हैं रिसेंटली, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके करंट अफेयर में आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ का भी आप पढ़ सकते हैं, अगर ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप 1 ईयर की तरफ भी जा सकते हैं, करंट अफेयर वाला हो गया। इंग्लिश में ग्रामर के रूल को रिवाइज कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 1-2 दिन की बात नहीं है भाई, प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर मैं कहूं कि 1 महीने में पूरा एंटोनिम्स सिनोनिम्स खोल के पी जाओगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, यस। तो उसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स तो आप पढ़ सकते हो ना, नाउन प्रोनाउन जितने भी चीजें हैं, एडवर्ब वगैरह एडजेक्टिव वगैरह, उनके रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड ये तो हो गया वेटेज को समझना, तो वेटेज के हिसाब से आप अपना टॉपिक मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक अभी पढ़ना है 1 महीने के अंदर, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे ना स्टार्टिंग से, बाकी उसके बाद जो आना है बेटा पी बाई क्यू पर मेहनत कर लेनी है। पी बाई क्यू की अगर मैं बात करता हूं, अगर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो
तो 2015 से लेकर 2022 तक के पीवाई को तो लगा देना। और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जीएटी वाला पोर्शन भी और मैथमेटिक्स वाला भी। और ज्यादा अगर आपके पास टाइम है, सेफ खेलना चाहते हो, तो भाई 2000 ठीक है 12 10 से भी जा सकते हो अगर आप चाहते हो तो लास्ट 10 इयर्स के आपके कवर हो जाएंगे अगर आप लगा सकते हो तो, ठीक है ना। तो इनको भी आप लगा लेना, उसके हिसाब से आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा कि यार इस टाइम मेरा ये टाइम है, मैंने मॉक टेस्ट लगा मतलब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, प्रेशर और भी बढ़ता रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट चीज मॉक टेस्ट, भाई वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है, कि युद्ध करने तो चले गए, ठीक है, पर अपने अस्त्र शस्त्र साथ में लेके नहीं गए, ठीक है। तो भाई अगर पूरी तैयारी कर ली है, फाइनल अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो सारी तैयारी बेकार है। क्यों, क्या कैसे करोगे यार, ठीक है, तैयारी तो कर ली, आपका स्कोर क्या आ रहा है, सेफ स्कोर में आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है, क्या सीधा आपको एग्जाम देके पता करना है कि आज मैं तो 60 प्लस करके आता हूं, मैं तो 30 प्लस करके आया, मैं तो 70 प्लस करके आया। भाई मॉक टेस्ट लगा के एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट सिर्फ ऐसे नहीं लगाना है कि बस मॉक टेस्ट आ गया और लगाने बैठ गए सुबह से शाम तक एक मॉक टेस्ट कंप्लीट, नहीं भाई, मॉक टेस्ट लगाइए, टाइम फिक्स करिए। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का है 2.5 आवर्स का आपका टाइम है, पूरा ढाई घंटे का, ढाई घंटे में लगाइए, उसमें चेक कीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद मेन चीज है उसको एनालाइज कीजिए। जब उसको एनालाइज करोगे कि भाई कहां कहां पर मैं गलती कर रहा हूं एंड किन किन गलतियों को मैं सुधार सकता हूं एंड कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं कर ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़नी है, उनको मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, वो सारी चीजें तभी तो समझ में आएगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे अच्छे तरीके से, है ना। तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें हैं, बाकी आप सब समझदार हो, ठीक है, एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना सब कुछ जानते हो। चलिए तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव इट ऑल।